हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.4 ऑफ पॉलीनोमियल्स क्लास 9th। तो इसमें आपका है कि सबसे पहले मैंने आपका जो लास्ट वीडियो उसमें डिस्कस किया है कि फैक्टर, तो रिमाइंडर थ्योरम, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम में यदि आपका कोई भी पी एक्स, मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ कि आपका कोई भी पॉलीनोमियल पी एक्स है और इसको आपने x माइनस ए से डिवाइड किया है, तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो आपका पी ए के इक्वल होगा और इसमें जो पी एक्स की डिग्री है वो हमेशा 1 से ग्रेटर या उसके 1 के इक्वल होगी। अब इसमें ये आपका रिमाइंडर मिलता है। यदि आपका कोई भी फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि यदि किसी इससे मैंने इसको डिवाइड किया है तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे ये आपका ये फैक्टर है। तो आप इसमें ध्यान रखोगे फॉर फैक्टर कि आपका कोई भी फैक्टर है देन पी ए इट शुड बी इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है चेक वेदर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ आइदर दिस पॉलीनोमियल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दिस पॉलीनोमियल और दिस पॉलीनोमियल और दिस पॉलीनोमियल, मतलब आपके ये 4 पॉलीनोमियल्स हैं। तो आपने इसमें देखना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अब आपने जो फैक्टर चेक करना है x प्लस 1 उसको आप अलग 0 रखो, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस 1। अब 1 by 1 करके आप मैं फर्स्ट पॉलीनोमियल लेता हूँ आपका दिस वन, सो पुट x इज इक्वल टू 1, इट मीन्स p1, मैं आपको p1 निकालता हूँ और ये मैंने इसको सभी को मैंने पी एक्स माना हुआ, ये पी एक्स है, इसको आप सेकेंड केस में जी एक्स कह सकते हो, एच एक्स और वन, ठीक है। तो आपका मैंने p1, तो P1 में आपका इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 और प्लस 1, तो ये आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 4, सो विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ अ फर्स्ट पॉलीनोमियल, जो आपका फर्स्ट पॉलीनोमियल है इज नॉट फैक्टर ऑफ Px, जो मैंने आपको Px दिया हुआ है। अब आपका सेकंड केस आपका इसमें लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट मैंने आपका जो पी एक्स कंसिडर किया है दैट इज एक्स फोर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 1, सो पुट पी मतलब एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपका 1 का 4 प्लस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 5, सो विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सेम x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स, मैंने अभी केस में ये लिया है। थर्ड केस, सो हियर p1, इन दिस केस फर्स्ट पुट x टू द पावर 4 प्लस 3 1 टू द पावर 3 प्लस 3 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, सो इट विल बी 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, सो दैट इज 6, 2, 8, 9, so which is not equal to 0. It means for this polynomial x plus 1 is not factor. Question number 2, वो कह रहा है कि using factor theorem show that or check whether px is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1 means this px and gx is equal to x plus 1. अब according to question number 2, using factor theorem show that or check whether this is the factor of this or not. It means ये आपका divisor है और ये आपका dividend है, तो divisor को आपने x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. अब यहाँ आपने p minus 1 find out किया, तो ये आपका आ जाएगा 2 minus 1 to the power 3 plus माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, अब ये आपका माइनस, तो आपका माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 और माइनस 1, सो दिस माइनस 2 और प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ये आपका फर्स्ट पार्ट। इन सेकंड केस अब px इज अ x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज अ x प्लस 2,
So for this, check whether this is a factor of this. It means suppose x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. And find p minus 2. So minus 2 whole cube plus 3 into minus 2 whole square and plus 3 into minus 2 plus 1. E minus 2 whole cube, that will be minus 8. This will be plus 4 and this will be plus 12 and minus 6 and plus 1. अब आपके माइनस ये आपका 14 और 12 प्लस 1 13, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 के इक्वल नहीं, मींस दिस इज अ नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर नहीं होगा. एंड थर्ड केस, px इज अ, थर्ड केस में आपका जो px गिवन है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 6 एंड जी एक्स इज फॉर दिस थर्ड पार्ट इज एक्स माइनस 3. अब इसको आपने 0 पुट किया, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड पुट पी 3, सो पी 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन्स 3 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 एंड प्लस 6. अभी आपका माइनस, ये आपका 3 का होल क्यूब 27 माइनस 9 फोर 36 एंड प्लस 9, मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, 9 एंड 27 दैट विल बी 36 एंड माइनस 36, सो इट विल बी इक्वल टू 0. सो देयर फोर एक्स माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब देखो, मैंने मुझे के फाइंड आउट करना है एंड एक्स माइनस 1 इज फैक्टर, सो पुट दिस इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 1. सो इन ऑल केसेस आपका क्या होगा, पी 1 शुड बी इक्वल टू 0 आपको हर केस में. अब मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, मीन्स पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एंड पुट पी 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड पी 1. सो पी 1 इज 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड प्लस के इज इक्वल टू 0. तो आपका 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, के विल बी माइनस 2. अब सेकेंड पार्ट दैट इज 2x स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स एंड प्लस रूट 2. सो इन दिस केस पुट पी 1 इज इक्वल टू 0 एंड पुट हियर 2 1 होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब आपका ये 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2. तो आपका सेकेंड जो पार्ट है उसका आंसर ये होगा. और फॉर थर्ड केस पी एक्स दैट इज गिवेन के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1. सो इन दिस केस पी 1 दैट इज अ के एंड 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 एंड प्लस 1. सो दैट इज के माइनस रूट 2 प्लस 1 एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पी 1 इज 0, सो पुट 0 हेयर, देन के विल बी इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. सो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एंड चेक इफ एक्स माइनस 1 इज फैक्टर, फाइंड के. तो अब मैं यहाँ से पहले आपका पी 1 निकालता हूँ, मीन्स के 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के और दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो ये आपका के माइनस 3 प्लस के, इट मीन्स दैट विल बी 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. तो आपका जो फोर्थ पार्ट का आंसर होगा दैट विल बी k इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज दिस. तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए, हमारा जो फैक्टराइजेशन है उसमें आपका क्या करते हो, पहले आप कॉमन देखेंगे कि हमारा कुछ पार्ट कॉमन तो नहीं है. इसके बाद आपने कॉमन के बाद ग्रुप कॉमन देखना है कि आपका कोई भी ग्रुप कॉमन तो नहीं है. अब आपने ग्रुप कॉमन के बाद फिर आपने देखना है कि मेरा कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला तो नहीं लगता है. अब मैं केवल इसी के पॉइंट से बता रहे हैं फॉर्मूला में.
आपके यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका यहाँ लग जाएगा, या a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर। थ्री टर्म्स के लिए आपके ये फॉर्मूला पॉसिबल है। आपके टू टर्म्स होते हैं तो वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसको वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। आज मैं जो है इसको आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको आपको यहाँ बता रहा हूँ। वैसे इसकी मेरी एक आपकी सेपरेट वीडियो है मिडिल टर्म पर, आप उसको देख सकते हो डिटेल में। अब इसमें जो आपका मुझे फैक्टराइज करना है, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप इनको पहले अरेंज करोगे, ठीक है। तो आपने अरेंज कर दिया है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है आपका विदाउट एक्स, इसमें भी आपका थर्ड मतलब फोर सभी में अरेंज किया हुआ है। अब आपने क्या निकालना है, इन नंबर्स का आउटर नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। इनका आप पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। अब आपका जो प्रोडक्ट है इनका दैट विल बी 12। अब मुझे 12 के ऐसे टू फैक्टर्स है, आपका ये प्लस का है तो दोनों साइन फैक्टर्स के प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे। तो आपने इसके टू फैक्टर्स देखने, तो मैंने 12 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखे, मींस आपका 1 इंटू 12 भी होता है, 2 इंटू 6 भी होता है, 3 इंटू 4 भी होता है, ठीक है। ये आपके इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, यदि आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो आपने इनको ऐड करना है फैक्टर्स को। तो मैं ऐड करता हूँ तो 13 मिलेगा, यहाँ ऐड करूँगा तो आपको 8 मिलेगा, यहाँ ऐड करूँगा 7, पर मेरे को जो रिक्वायर्ड क्या है 7। इट मीन्स मेरे ये फैक्टर जो है वो करेक्ट हैं। तो फैक्टर पॉजिटिव है मतलब सॉरी प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है तो आपने फैक्टर्स को ऐड करना है। और दूसरा है आपका जो साइन, उनका दोनों का सेम रखना है। यदि माइनस है तो माइनस दोनों होंगे, या प्लस हैं तो दोनों प्लस होंगे। तो मुझे मिडिल में माइनस चाहिए तो दोनों माइनस के। इट मीन्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1, सो दिस विल बी 12x स्क्वायर एंड माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब आपका ये ग्रुप बन जाएगा, इस ग्रुप से आपका कॉमन हो जाएगा 3x, तो दैट विल बी 4x माइनस 1 और इसमें से माइनस 1 4x माइनस 1। अब आपका 4x माइनस 1 कॉमन, दैट विल बी 3x माइनस 1। सो दिस दीज आर द फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। सिमिलरली इन सेकेंड केस प्रोडक्ट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड पॉसिबल फैक्टर ऑफ 6 मीन्स 6 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3, ये आपके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब आपका प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, यहाँ पर प्लस का है तो मैं दोनों को ऐड करूँगा। तो यहाँ जो ऐड करता हूँ तो 7 मिलता है, यहाँ ऐड करता हूँ तो 5, मीन्स मेरे आपके ये जो फैक्टर हैं वो आपके करेक्ट फैक्टर हैं। अब मिडिल में आपको साइन कैसा चाहिए, प्लस का, तो इन दोनों को मैं प्लस का यूज़ करूँगा। सो मीन्स योर सेकंड क्वेश्चन मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 3, सो राइट हियर 2x स्क्वायर एंड फैक्टर्स आर प्लस 6x एंड प्लस x एंड प्लस 3। सो फ्रॉम दिस पेयर 2x इज कॉमन, देन इट विल बी x प्लस 3 एंड प्लस 1 कॉमन हियर x प्लस 3 एंड x प्लस 3 इज कॉमन, देन 2x प्लस 1, यहाँ पर मैंने 1 कॉमन निकाला है मैंने, तो ये आपके इसके फैक्टर होंगे। एंड फॉर थर्ड केस द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर आउटर नंबर्स दैट इज, सो इन दिस केस प्रोडक्ट इज माइनस 36, मीन्स आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है। इट मीन्स इन दिस केस वी विल सब्ट्रैक्ट द फैक्टर्स, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इसके पॉसिबल फैक्टर देखो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड अदर फैक्टर्स आपके 4 के बाद 6 हो गया, 6 इंटू 6 और आपका 9 से अब रिपीट हो जाएंगे। ये आपके टोटल इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ तो इनका देखो डिफरेंस आपका 35 मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इसका डिफरेंस 16 वो भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इनका डिफरेंस आपका 9 वो भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इनका डिफरेंस आपका 5 मुझे वो रिक्वायर्ड है। इट मीन्स मेरे आपके ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके करेक्ट फैक्टर्स हैं इसके। तो अब मैं इसको नोट करूँगा, तो मैं इसको एक लाइन स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से नोट नहीं कर रहा, तो ये आप नोट कर लोगे। तो ये 6x स्क्वायर, अब मैंने फैक्टर्स आपके, अब देखो माइनस हैं तो उनका साइन जो है वो अपोजिट होगा, एक प्लस का तो एक माइनस का होगा। अब आपको मिडिल में प्लस चाहिए तो आप जो लार्ज नंबर है उसको प्लस का साइन दे दो, छोटे वाले को माइनस का। यदि आपको मिडिल में माइनस चाहिए तो आप लार्ज नंबर को माइनस का और छोटे वाले को प्लस का साइन दे दोगे। तो मैं इसको आप 9 को प्लस का साइन दूंगा तो 9x और छोटे वाले को आपका 4x और माइनस 6। अब आपका ये पेयर है, इस पेयर से आपका कॉमन निकलेगा 3x, तो ये आपका 2x प्लस 3
और माइनस इसमें से 2 आपका, तो 2x प्लस 3, और अब आपका 2x प्लस 3 कॉमन, देन इट विल बी 3x माइनस 2. सो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. अब आपका जो नेक्स्ट है, इन दिस केस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो मैं इस केस का आपका जो प्रोडक्ट लिखता हूँ, मीन्स अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज अ पी इज इक्वल टू माइनस 12, ये आपका माइनस 12, एंड पॉसिबल फैक्टर्स 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 एंड 2 इंटू 6 आपका यहाँ आ गया. अब आपके रिपीट शुरू हो जाएंगे शुरू आपका ये. अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आया आपका नेगेटिव, तो मुझे डिफरेंस लेना है. तो 12 और 1 का डिफरेंस 11 आता है, 2 और 6 का डिफरेंस आपका 4 आता है, और 3 और 4 का 1. तो मुझे देखो यहाँ 1 चाहिए, तो मींस मेरे ये करेक्ट फैक्टर हैं. अब मिडिल में मुझे माइनस चाहिए, तो मैं लार्ज नंबर को माइनस का साइन दूंगा और स्मॉलर को प्लस का. सो राइट हेयर मीन्स 3x स्क्वायर माइनस, क्योंकि लार्ज नंबर को माइनस का देंगे तो ये माइनस 4x प्लस 3x एंड माइनस 4. अब देखो यहाँ से मेरा x कॉमन, सो मीन्स 3x माइनस 4, और यहाँ से आपका प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 4, ये आपका इसके फैक्टर. अब इसमें से आपका 3x माइनस 4 कॉमन, देन x प्लस 1. तो दीज आर द फैक्टर ऑफ लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल्स, इनको आपने फैक्टराइज करना है. तो आपका देखो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने कॉमन मेथड, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि आपका एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो आप इसमें से कॉमन, आपका कुछ भी कॉमन नहीं है. नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि ग्रुप कॉमन आप लेंगे, तो देखो मैंने ये ग्रुप आपका फॉर्म किया और एक ग्रुप, तो इस ग्रुप में से मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से एक्स माइनस 2. अब यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, तो ये भी आपका एक्स माइनस 2. अब ये x माइनस 2 आपका कॉमन निकल जाएगा, देन x स्क्वायर माइनस 1. अब देखो ये फिर आपका फर्दर फैक्टराइज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका a प्लस b एंड a माइनस b. अब देखो यहाँ आप इस फॉर्म के लिए आप इस फॉर्म में लिखा करो, किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर. तो अब जो अंदर इनसाइड जो ब्रैकेट है वो आपके प्लस और माइनस होते हैं, आप इसमें ये नहीं लिखते हो तो वहाँ गलती करके आते हो, तो ये ध्यान रखना है आपने. तो ये मेरा देखो मैं एक बार दिखाऊंगा इसको, x माइनस 2, और ये मेरा x का स्क्वायर है और ये मेरा 1 का स्क्वायर है. अब मैंने क्या किया, इनको एक बार प्लस करूंगा, तो x माइनस 2 और ये मैंने प्लस किया तो x प्लस 1, और माइनस किया तो x माइनस 1. तो ये आपके इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. तो मैंने देखो इसमें आपको कॉमन लेके ही आपका, अब देखो यहाँ मैं देखता हूँ सेकंड पार्ट में, तो यहाँ कोई भी अब ग्रुप कॉमन नहीं है, तो अब आप कॉमन उसी में चलेंगे कि मेरा कोई भी फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है. तो फॉर्मूला में मैंने कैटेगराइज किया है कि मेरे 3 टर्म्स वाले हैं, 2 टर्म्स वाले तो नहीं है, 3 टर्म्स वाले तो नहीं है, 4 टर्म्स वाले तो नहीं है, और आपका फिर आपका 6 टर्म्स वाले तो कोई भी नहीं लग रहा है. और जब इनमें से कोई भी नहीं लगेगा, मीन्स लास्ट इज अ रिमाइंडर थ्योरम, आपने रिमाइंडर थ्योरम से उसको फैक्टर करने. अब देखो 2 टर्म्स में आपके फॉर्मूला ए, तो मेरे पास 2 टर्म्स यहाँ नहीं है, यहाँ मेरे पास 4 टर्म्स हैं. अब आपका 3 टर्म्स में डेल्टा टर्म स्प्लिटिंग या ए प्लस बी का स्क्वायर लगता है, 4 टर्म में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो उसमें आपके 2 क्यूब्स होते हैं, यहाँ मेरे पास केवल एक क्यूब है, तो इसमें नहीं लगेगा वो. अब आपका 4 टर्म्स का 2 क्यूब के होते हैं या 3 क्यूब्स के होते हैं, तो यहाँ पर मेरा एक ही क्यूब है तो नहीं लगेगा. 6 टर्म्स यहाँ है भी नहीं अवेलेबल आपके, तो वो भी नहीं लगेगा. इट मीन्स देन यू विल फैक्टराइज बाई रिमाइंडर थ्योरम. तो मैं आपका रिमाइंडर थ्योरम से इस क्वेश्चन को कराऊंगा. अब रिमाइंडर थ्योरम के लिए सबसे पहला आपका पॉइंट है फाइंड द वन फैक्टर यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. तो अब हिट एंड ट्रायल के लिए आपने देखना है, तो आप जो है लास्ट जो नंबर होता है यहाँ पर, आप इसको देखो, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन भी इससे हो सकता है, ठीक है. तो मैं अब इसको देख रहा हूँ, तो आपका हिट एंड ट्रायल से इसका फैक्टर, तो आप 20 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आपका 120 का फैक्टर है, 2 आपका 20 का फैक्टर है, 3 नहीं है, 4 है आपका, 5 है, फिर आपका 10 है और आपका 20 है. तो इसमें से आप जो है 1/1 करके पहले 1 डालो, फिर माइनस 1, फिर 2 माइनस 2, आपको एक या दो बार में आपको मिल जाता है डायरेक्ट मोस्टली. तो मैंने देखो पहले x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो यहाँ 1 डालते हैं, तो 1 का सॉरी ये क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर
और प्लस 32 इंटू 1 और प्लस 20। ये मैंने इसके अब यहाँ देखते हैं सभी प्लस के, तो मींस कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। प्लस का आपका ये 1 हो जाएगा, ये आपका 13 और ये आपका 32 और ये आपका 20। हमने वो देखना है सो विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें आपका जीरो मिलता है। तो ये आपका जीरो नहीं मिल रहा है इसमें से। अब मैंने माइनस 1 डाल के देखा तो x इज इक्वल टू मैंने माइनस 1 पुट किया, मीन्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 20। अब इसको करते हैं तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1, ये आपका प्लस 13 और ये माइनस का 32 और प्लस का आपका 20। ये दोनों प्लस के हैं आपके, ये दोनों माइनस के हैं, मीन्स माइनस 33 और ये प्लस 33, सो दैट विल बी जीरो। तो आपका क्या निकला, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है मीन्स आप 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो देयर फोर एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर, ये आपका फैक्टर होगा। तो मीन्स हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले आपको एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब सेकेंड स्टेप, आप इस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अब आपने x प्लस 1 फैक्टर फाइंड आउट किया तो लॉन्ग डिवीजन से आपका एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। अब आपका मैंने डिवीजन आपको सिखाया है लास्ट वीडियो में, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले हाईएस्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, मींस एस्टिमेटेड जो कोशेंट होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर, इस टर्म को इससे डिवाइड करो। अब इससे इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे, मींस दैट विल बी एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसके नीचे रखता हूँ यहाँ पर। अब आप साइन चेंज करोगे, माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस है ये प्लस है, मीन्स आपका 12x स्क्वायर। बाकी आप कॉपी करोगे 32x और प्लस 20। अब आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है तो इसको एस्टिमेटेड कोशेंट लगाओगे, एक्सिस को डिवाइड करोगे दैट विल बी प्लस का 12x। अब आपने इससे इन पूरे को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये 12x स्क्वायर और इससे करेंगे तो 12x, तो वो आपने यहाँ रख दिया। अब सेम इसको माइनस किया, ये आपका कैंसिल आउट होगा एंड दैट विल बी 20x और प्लस 20। अब हाईएस्ट डिग्री का आपका ये टर्म है तो एस्टिमेट का इसको डिवाइड किया तो एस्टिमेटेड कोशेंट इज 20। अब आपने 20 को इससे मल्टीप्लाई किया दैट विल 20x प्लस 20। अब आपने ये माइनस किया, ये माइनस सो कैंसिल आउट। सपोज करो आपका यहाँ जीरो नहीं आता, इट मीन्स आपकी डिवीजन में कोई गलती है। यदि आपको जी डिवीजन में कोई गलती नहीं है तो इट मीन्स आपने जो फैक्टर फाइंड आउट किया है हो सकता है आपकी उसमें कोई गलती हुई हो, तो आपका ये चेक होता है इससे। अब देयरफॉर अब आप लिखोगे पी एक्स मीन्स डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड दैट इज अ पी एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट, डिवाइजर आपका x प्लस 1 एंड कोशियंट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 20। अब इसके आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सेम अभी आपको कराया था, मीन्स इसका आपने फैक्टर्स निकाले 20 के, तो आपके जो 20 के फैक्टर्स होंगे तो 20 इज द प्रोडक्ट प्लस का है आपका एंड फैक्टर, पहले आपका 20 इंटू 1, फिर आपका 2 इंटू 10, फिर आपका 4 इंटू 5। अब मुझे इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव सम करना है, 20 प्लस 1 21 मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, 2 प्लस 12 12 ये मुझे 2 प्लस 10 सॉरी 12 ये आपको 12 रिक्वायर्ड है। इट मीन्स मेरे ये फैक्टर इसमें सही फैक्टर है। अब मुझे मिडिल में प्लस चाहिए तो दोनों का प्लस का लिखेंगे, तो मीन्स ये आपने साथ कॉपी करना है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20। ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट ग्रुप आपका ये होगा, सेकेंड आपका ग्रुप ये। सो पुट हियर x प्लस 1 एंड x इज कॉमन, सो x प्लस 10 एंड प्लस 2 इज कॉमन x प्लस 10। अब आपका x प्लस 10 इसमें से कॉमन हो जाएगा, मीन्स x प्लस 1 एंड x प्लस 10 इज कॉमन एंड x प्लस 2। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन, सो फैक्टर ऑफ दिस 5 मीन्स आपके इसके जो फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 1 है आपका 5, दो ही फैक्टर हैं, x इक्वल टू 1 पुट किया है, x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आपका 1, तो आपका ये 0 नहीं होगा इसमें से। अब मैंने x इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो आपका देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 5, इसका क्यूब आपका माइनस का 1, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस 3, ये आपका माइनस माइनस प्लस 9 और माइनस 5। अब देखो ये 9 और ये माइनस और ये माइनस माइनस मीन्स माइनस 9 एंड प्लस 9, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर आपने x क्या पुट किया यहाँ पर माइनस 1, सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर।
ये आपका फैक्टर निकाल लिया। अब बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड आप इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ एक्स प्लस वन से, तो इसके लिए जो आपका एस्टिमेटेड कोशियंट होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने माइनस किया, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और ये आपने कॉपी किया नाइन एक्स माइनस फाइव। इसके लिए आपका जो एस्टिमेटेड कोशियंट होगा दैट विल बी माइनस फोर एक्स, तो ये आपका माइनस फोर एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस फोर एक्स, और ये आपने साइन प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा दैट विल बी माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव। और इसके लिए आपका जो एस्टिमेटेड क्वेश्चन दैट इज माइनस फाइव मीन्स माइनस फाइव एक्स एंड माइनस फाइव, आपने साइन चेंज किया प्लस एंड प्लस बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट, सो देयर फोर पी एक्स दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर एक्स प्लस वन एंड कोशियंट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये इसका कोशियंट हो जाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपका देखो वही सेम मिडिल टर्म, अब एक नंबर का प्रोडक्ट फाइव, अब ये नेगेटिव फाइव आ रहा है मीन्स माइनस फाइव, तो माइनस फाइव के जो फैक्टर हैं वन वन इंटू फाइव भी होंगे और कोई फैक्टर नहीं हो रहे इसके, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका फोर, क्योंकि माइनस है तो मुझे डिफरेंस लेना है, तो एक इसमें पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मीन्स राइट हेयर एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। अब आपका ये x प्लस वन इसमें से आपका कॉमन है, सॉरी बाहर फैक्टर है, इसमें से आपका x कॉमन x माइनस फाइव और प्लस वन कॉमन x माइनस फाइव। अब आपका x माइनस फाइव कॉमन मीन्स x प्लस वन हेयर एंड x माइनस फाइव हेयर देन x प्लस वन, सो इट इज़ द फैक्टर और दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस थर्ड पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट मीन्स टू बाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बाई माइनस वन। अब वो कहता है फैक्टराइज दिस, देखो इसमें कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है, और वो कहता है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो आपने जो मैंने अभी दोनों क्वेश्चन किए हैं आपने उसी मेथड से करने हैं, और वो कहता है फैक्टराइज मीन्स आप कोई भी मेथड जो एप्लीकेबल है आप लगा सकते हो, तो मैं तो इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो देखो मैंने ग्रुप बना लिया इसमें से, आपका यहाँ से कॉमन है, क्या कॉमन है आपका वाई कॉमन है स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से आपका बचेगा टू वाई और यहाँ से प्लस वन। अब मैंने यहाँ से माइनस वन कॉमन निकाल दिया, तो ये आपका 2y प्लस वन। अब मैंने इनमें से आपका 2y प्लस वन कॉमन निकाल दिया, देन दैट विल बी y स्क्वायर माइनस वन। अब देखो आपका ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो मैंने आपका फर्स्ट उसमें लगाया था सेम इसमें लग गया आपका, तो 2y प्लस वन और इसके आपका a प्लस b मीन्स y प्लस वन एंड y माइनस वन, सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका जो सॉल्यूशन था एक्सरसाइज आपका 2.4, तो ये आपको जो सॉल्यूशन है इसमें से आप इसमें जब गिवन है दे रखा है कि बाई रिमाइंडर थ्योरम, तो आपने रिमाइंडर थ्योरम से करना है, और वो फैक्टराइज कहता है मीन्स एनी मेथड विच विल बी एप्लीकेबल आप उसको कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।